I'm trying to balance. This is one thing that is so difficult to balance. Work or life? Work or life? Life or work? Work or life? समझ नहीं आता है कि वर्क और लाइफ को बैलेंस कैसे करें। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ यू कैन बैलेंस योर वर्क एंड योर लाइफ। पहले तो लेट्स गेट दिस थिंग वेरी क्लियर कि वर्क लाइफ बैलेंस नामक कोई चीज नहीं होती है। लिख लो। यू विल से क्या बात कर रहे हो, वी हैव हर्ड अबाउट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस। Probably the word balance has been wrongly understood. हमें लगता है कि balance का मतलब 50% work, 50% life, 50% work, 50% life. और जैसे ही ये 49-51 हो जाता है, we like, अरे balance नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये 60-40 हो जाता है, तो we feel, अरे ये तो balance हो नहीं रहा है। And all these things make you believe कि life तो मेरी यार उसकी लाइफ सही चल रही है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है। नंबर वन मिथ कि आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी को इक्वली बैलेंस नहीं कर सकते। दूसरा मिथ ये है कि अरे यार मैं काम में ना कभी खुशी ढूंढ ही नहीं सकता, काम सारी एनर्जी ले जाता है यार, लाइफ क्या ही बचती है, अब क्या ही जिए, सारी तो उम्र काम ही काम काम ही काम। बिकॉज वर्क डज टेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर डे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप दिन में करीब 8 घंटे की नौकरी करते हैं, जिसमें अगर मैं आपका ट्रैवल टाइम ऐड कर दूं, गेटिंग रेडी फॉर वर्क ऐड कर दूं, तो कम से कम 10 घंटे कम से कम लगा रहा हूं। अब अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आपका ट्रैवल टाइम 2-3 घंटे और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 घंटे कम से कम आप लगा रहे हैं रोजाना। मिथ ये है कि वर्क और लाइफ कभी कंपैटिबल हो ही नहीं सकते। अक्सर हम ये रिलेशनशिप्स में कहते हैं कि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन वर्क और लाइफ कंपैटिबल हो सकते हैं। हम जानेंगे कैसे इस वीडियो में। तो ये तो हमें समझ आ गया कि कुछ मिथ्स हैं जिसको लेकर अभी तक हम जी रहे हैं, और उसी की वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, न जाने क्या क्या चीजें होती रहती हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस का रियलिस्टिक सिनारियो क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि वर्क में मैं सिर्फ पॉजिटिव बिल्कुल बेस्ट, बहुत अच्छा हो, मतलब मैं बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ, हैप्पी रह रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, वो होता रहे, और आपकी अगर लाइफ बिल्कुल शांत चल रही है, तो वो एक बैलेंस नहीं है, इट इज वर्क डोमिनेंट। एंड सिमिलरली इफ यू जस्ट इंजॉइंग दैट, मुझे अपने काम में बिल्कुल मजा नहीं आता, आई एम लाइक स्ट्रेस्ड एंड आई एम लाइक, और घर आते हैं आई एम लाइक रियली काम एंड पीसफुल, देन इट इज लाइफ डोमिनेंट और ऐसे काम चल नहीं पाएगा। तो अ रियलिस्टिक सिनारियो इज कि कभी कभी काम में ऊपर नीचे ऐसे ही लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहेगा। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट में है कि वर्क लाइफ बैलेंस मतलब वर्क भी पॉजिटिव लाइफ भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है दोस्त। दोनों चीजों में उतार चढ़ाव आएंगे ही, उतार चढ़ाव है तभी आप जिंदा हैं। अगर फ्लैट होता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिवस क्या कर सकते हैं, ये बताओ कि कर क्या सकते। नंबर वन इज री प्रायोरिटाइज। ये आपकी सिर्फ ओ आर और लाइफ नहीं है, ये आपकी एंड लाइफ है। क्या फर्क है, वर्क और लाइफ नहीं है, वर्क एंड लाइफ है। और लाइफ के अंदर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना नहीं आता, लाइफ के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना नहीं आता, लाइफ के अंदर आपकी हॉबीज, आपके रिश्ते, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका समय औरों के साथ, दुनिया के लिए, ये भी आता है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिस हुई, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी ही होगी। सो रीप्रायोरिटाइज, चेक इट आउट,
कि आप अपना समय कहां कहां दे रहे हैं और कहां कहां देना चाहिए। आप अपने वर्क पे बहुत फोकस कर सकते हैं, एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यू हैव टू ट्रेड ऑफ दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स। आप शायद, आई हैव जस्ट बिकम अ फादर, सो इफ आई गिव माई एंटायर टाइम टू माई वर्क, I might not be able to look after my child and experience those moments when I hold him in my hands. Wo moment chala jayega. That's about an and life ki main reprioritize kar raha hu apni energies ko, apne samay ko, ki main kaun sa samay, kaun sa time kis cheez ko de sakta hu. You have to ask yourself what you really want in your life. If you want only one thing, the other half will certainly get affected. Second, अपने emotions को check करेगा कि आप happy हैं, sad हैं, regret हैं या fulfilled हैं, क्या चल रहा है, कौन सी activities हैं जिसको करने से आपको बहुत ही निराशा होती है, मतलब आप कर रहे हैं but लेकिन आपका मन नहीं करता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपका दिन बिल्कुल you feel so good about yourself. Start doing more of what makes you really happy. I'm not saying that forget your responsibilities. Never. Unko apne list mein rakhiye. Aapki and life hai, or life nahi hai. Aur saath hi saath un cheezon pe zyada time dijiye, energy dijiye, which makes you happy. Mujhe bataiye. When you spend that time with your loved ones, how do you feel? Feel good, right? अगर आप उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल देंगे, आप मशीन बन जाएंगे. सो स्पेंड टाइम विद दोज थिंग्स एंड पीपल दैट मेक्स यू हैप्पी. जब आप ये समझ जाएंगे तो आप अपना एक रीप्रायोरिटाइज करके एक नया चार्ट बना लेंगे कि हाँ अब से मैं ऐसे करने वाला हूँ, और कुछ समय के बाद यू विल ऑप्टिमाइज इट कि नहीं यार, लगता है कि मेरे लिए इस टाइम पे इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है. राइट नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दिस. तो ऐसे मान लो यार कि अगर 12 महीने का एक साल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो 24 घंटे है, 12 घंटे वर्क है तो 12 घंटे लाइफ है. ऐसा हो सकता है कि 6 महीने वर्क हो, 6 महीने लाइफ हो. नाउ दिस डज नॉट मीन कि जनवरी से जून सिर्फ वर्क 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 और जुलाई से लेकर दिसंबर लाइफ लाइफ लाइफ. नहीं, इट्स जस्ट एन वे, जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन थिंग्स दैट अगर आपके पास 365 दिन है, तो उनमें से ऑन एन एवरेज क्या मतलब है, मे बी आपका काम ऐसा हो कि जनवरी इज फुल ऑफ वर्क 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 वर्क, ठीक है, देन ऑन पर्पस डेलिबरेटली टेक अ पॉज कि फरवरी में मुझे एक हफ्ता छुट्टी लेना ही है, मार्च में मुझे एक हफ्ते के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाना ही है. दैट्स हाउ यू रिकैलिब्रेट, दैट्स हाउ यू प्रायोरिटाइज, दैट्स हाउ यू स्टे ऑन द पाथ विद द सेम एनर्जी. एल्स you will get burnt out, you will get exhausted, you will be like dead. Nahi chahte na ye cheez, chahte ho ki zinda dili ke sath aage badho. Kya kar sakte ho, apne kaam ko label mat karo ki yaar ye to suffering hi suffering hai, pain hi pain hai, dukh hi dukh hai, dard hi dard hai. Sabko apne bosses se kuch na kuch dikkat hoti hi hai, kuch ko nahi hoti hai, unki baat alag hai. सबको अपनी नौकरी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं. शायद उसी नौकरी की वजह से आप फाइनेंशली थोड़ा स्टेबल हैं, उसी नौकरी की वजह से आप जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ले पा रहे हैं. सो फील ग्रेटफुल, फील द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू मेक थ्रू योर वर्क, थ्रू योर प्रोजेक्ट, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि मैं सिर्फ ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन इस वीडियो की मदद से आप लोगों की लाइफ में जो बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा, उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है. दैट येस, आई शुड क्रिएट मोर वीडियोज बिकॉज इट इज चेंजिंग यू, इट इज चेंजिंग योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ. इट्स दैट पावरफुल. चेंज सिर्फ आपके अंदर नहीं हो रहा है, चेंज आपके परिवार के अंदर भी होगा, बिकॉज जब आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके एक्शंस बदलेंगे, आपकी लाइफ बदलेगी, आपके परिवार की भी लाइफ बदलेगी.
that's the impact. So when you look at that, okay, what work am I doing and what contribution it has in the lives of other people, it's there. Agar aap kisi bank mein kaam karte hain, you might think, अरे यार सुबह सुबह बैंक पहुंच जाओ, सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब ये पासबुक, ये चेकबुक, ये पासबुक, ये चेकबुक, ये पासबुक, ये चेकबुक, क्या ही लाइफ जी रहा हूँ मैं, क्या ही कर रहा हूँ मैं. बट देन यू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ यू मनी इज बींग मैनेज्ड प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ यू पीपल कैन ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज बैंक, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू द इकोनॉमी फंक्शनिंग इन अ डिसेंट वे. थिंक अबाउट इट. एक और चीज जो कर सकते हैं आप, कैटेगराइज कर लीजिए. वन इज मस्ट हैव, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है लाइफ में, मस्ट हैव है, कोई सेकेंड राय नहीं है कि मतलब इट्स अ मैंडेटरी थिंग, ये तो होना ही है. दूसरा है शुड हैव, कि अगर ये होगा तो बेनिफिट होगा, अगर मैं ये चीज करूंगा लाइफ में तो मुझे फायदा ज्यादा मिलेगा, दैट इज नोन एज शुड हैव. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपनी लाइफ में योगा करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, हेल्दी खाना शुरू करते हैं, तो यू नो इट कि इससे मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा हेल्दी रहूंगा मैं और आगे तक जा पाऊंगा. शुड हैव में आ सकता है. फिर आता है आपका कुड हैव. कुड हैव इज लाइक एक ऐसी चीज जो कि आप कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो ना इतना नुकसान होगा और अगर करोगे तो ना ही इतना फायदा होगा. एक फैंसी चीज है कि हाँ चलो कर लेते हैं, शौकिया है कर लेते हैं, कैटेगराइज इट. और चौथा है कि विल नॉट हैव, कि जरूरत नहीं है, मतलब नशा है, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, काम का इतना नशा है, जिंदगी का इतना नशा है कि जरूरत ही नहीं है नशे की, तो यू नो इट कि मुझे लाइफ में ये चीज नहीं चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू कैटेगराइज कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे लोग चाहिए. मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, विल नॉट हैव. कैटेगराइज इट इन दिस फैशन एंड यू विल बी सॉर्टेड. यू अंडरस्टैंड दैट ओके वेयर यू हैव टू पुट योर एनर्जी एंड वेयर यू नीड नॉट पुट योर एनर्जी. दैट्स हाउ इट्स वर्क, दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रिमेंबर टू स्टे ऑसम एंड स्टे प्रोडक्टिव एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट डन सो फार एंड शेयर दिस विद समवन हु माइट नीड इट. बाय.